हेलो फ्रेंड्स, आज ये वीडियो आप लोगों के रिक्वेस्ट पे लाया गया है। बहुत सारे स्टूडेंट अलग अलग यूनिवर्सिटी से बीएड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के एग्जामिनेशन का डेट भी पूछ रहे हैं और साथ साथ पैटर्न पूछ रहे हैं कि किस पैटर्न पर जो है एग्जामिनेशन होने वाला है। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमडीयू का क्या डेट शीट आ चुका है, क्या फाइनल डेट शीट एमडीयू की आ चुकी है बीएड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की, इस पर बात करेंगे। साथ ही साथ आगरा यूनिवर्सिटी सबसे ज्यादा बात किए जाने वाली यूनिवर्सिटी है भाई, ये एग्जामिनेशन कब होगा एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि पैटर्न क्या रहेगा इस बार आगरा यूनिवर्सिटी बीएड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, इस पर बात करेंगे। अवध यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन और उसके पैटर्न पर बात करेंगे। सिद्धार्था यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन और पैटर्न पर बात करेंगे। तो ये सभी यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन एंड इसके पैटर्न पर आज जो है इस वीडियो में बात किया जाने वाला है। आप लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट किया था कि मैम आगरा यूनिवर्सिटी का पैटर्न और डेट बता दीजिए, तो चलिए फाइनली जो है हम ये वीडियो आप लोग के लिए दे रहे हैं कि एग्जामिनेशन कब और पैटर्न क्या होने वाला है। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर आप लोग को 4 बजे फ्री क्लासेस बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का दिया जाता है। इसके साथ साथ आप लोगों के यूनिवर्सिटी का नोट्स और पेड बैचेस जो है हमारे ऑफिशियल ऐप कैटलिस्ट सोनी पर जो है अवेलेबल है। अगर आप लोगों को नोट्स लेना है या फिर पेड बैच लेना है तो हमारे ऐप पर विजिट कर सकते हो, या फिर जो ये दो नंबर दिया गया है इस पर आप व्हाट्सएप करके अपनी जानकारी ले सकते हो अपने यूनिवर्सिटी के बारे में। चलिए सबसे पहले तो एमडीयू का जो एक डेट शीट आया है जो आप लोग हमारे साथ शेयर कर रहे हो और पूछ रहे हो कि ये डेट शीट रियल है, फेक है, क्या है। देखो, इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो एग्जामिनेशन जो है 3 जून को दिखा रहा है कि 3 जून को एग्जामिनेशन है। ठीक है, ये डेट शीट जो आप लोगों को कल से मिला हुआ है और आप लोग हमें भी सेंड कर रहे हो, यहां से हम लोग कुछ भी देख रहे हैं तो हमें तो इसमें कुछ ऐसा लग नहीं रहा है कि ये फेक है क्या है। एग्जामिनेशन का पूरा जो है आप लोग देख लोगे, हमने जो पता चल रहा है वो यहां से पता चल रहा है। कंट्रोलर ऑफ द एग्जामिनेशन जिसमें कि साइन नहीं है, आपको यहाँ पर साइन नहीं दिख रहा होगा एग्जामिनेशन कंट्रोलर का, इसकी वजह से। दूसरा, इसमें जो दिख रहा है कि इसे फर्स्ट ईयर का डेट शीट दिया गया है और अभी जितने भी एग्जामिनेशन के हो रहे हैं फर्स्ट और सेकेंड ईयर दोनों का डेट शीट आ रहा है, तो ये दो रीजन की वजह से। और तीसरा रीजन ये है कि ये 16 को ही निकला था और अभी तक जो है वेबसाइट पर अवेलेबल नहीं है। जब तक आपके वेबसाइट पर कोई भी डेट शीट नहीं आता है तब तक आप लोग ऑफिशियल मत समझना, क्योंकि ऐसे जो है डेट शीट सर्कुलेट होते हैं। अगर ये फाइनल है और ये ऑफिशियल है और ये रियल है तो आपके वेबसाइट पर दिख जाएगा। जैसे ही एमडीयू के साइट पर आएगा हम आपको बिल्कुल बताएंगे कि एग्जामिनेशन जो है कब से होने वाला है। तो फिलहाल आराम से जो है प्रिपरेशन कीजिए, अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कीजिए, कोई कमी मत छोड़िए और आप लोग जो है उसमें लगे रहिए। फिलहाल डेट शीट नहीं है, ये फेक है, इसमें अभी कोई भी रियलिटी जो है दिखाई नहीं दे रही है। ठीक है, तैयारी करने के लिए जो है हमने जो आपको बताया कि आपको हमारे ऐप पर विजिट करना है। ऐप पर विजिट करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, आप कैटलिस्ट सोनी ऐप ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ होगा। यहां से जाकर के नोट्स जो भी लेना है, चाहे आपको पैडागोजी पेपर का लेना है या आपकी यूनिवर्सिटी का लेना है, यहां से आप सर्च कर सकते हैं और यहां से भी ले सकते हैं। ठीक है, तो नंबर जो है आप लोगों को हम लोग नंबर भी दे देते हैं ताकि आप उस नंबर पर भी जो है मैसेज कर सको। 7473200107, इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और इससे जो है डिटेल ले सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं बाकी सारे यूनिवर्सिटी। सबसे पहले तो आगरा यूनिवर्सिटी, भाई आगरा यूनिवर्सिटी का बीएड का एग्जामिनेशन कब होगा, पहले एग्जामिनेशन पे बात करते हैं। आगरा यूनिवर्सिटी का बीएड एग्जामिनेशन जो है कब होने के चांसेस है, देखो चांसेस तो जुलाई में ही है, आप लोग जुलाई तक ही आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि आज से आप देख रहे हो कि एमबीए बीए ग्रेजुएशन इन सभी का एग्जामिनेशन आज से लिया जा रहा है। तो ये एग्जामिनेशन तो एटलीस्ट 1 मंथ चलने वाला है। फॉर्म फिलअप भी अभी तक करवाया नहीं गया है, क्योंकि फॉर्म फिलअप कराने के बाद भी आपको 20-25 दिन के बाद ही एग्जाम होता है। तो एग्जामिनेशन 100% ये जुलाई जा रहा है। मेरे ख्याल से अगर जुलाई में भी हो जाता है तो ये जल्दी ही कहलाएगा,
क्योंकि ज्यादातर हम यही देखते हैं, आगरा यूनिवर्सिटी जुलाई और अगस्त के बीच में जो है एग्जामिनेशन लेकर जाती है। सितंबर पिछली बार भी चला गया था बहुत ही लेट, तो टाइम जुलाई का ही मैं बोलूंगी, जुलाई अगस्त के बीच में। बच्चे जो हैं आगरा यूनिवर्सिटी गए हुए थे, एग्जाम कंट्रोलर से उन्होंने बात की है और रिक्वेस्ट किया है बीएड के स्टूडेंट ने कि इस बार बीएड का एग्जामिनेशन जल्दी करवा लीजिए, क्योंकि आगे जो है वैकेंसी है, सेकेंड ईयर वाले बच्चों के लिए जो है हेल्पफुल हो जाएगा, अगर टाइम पर एग्जामिनेशन हो जाता है तो वो फॉर्म भर पाएंगे और जितने वैकेंसीज है उसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो रिक्वेस्ट तो इन्होंने किया है कि जून तक एग्जामिनेशन ले लेने को, लेकिन जो रियलिटी हमें दिख रही है जून नहीं दिख रही है, क्योंकि अभी तक फॉर्म फिलअप भी नहीं करवाया गया है, मई आधा निकल चुका है, तो एटलीस्ट 20-25 दिन का फॉर्म फिलअप का डेट रहता है, ये याद रख लेना, तो चांसेस कम है। फिलहाल जुलाई अगस्त का ही चांस जो है लग रहा है आगरा यूनिवर्सिटी का। पैटर्न क्या रहेगा, पैटर्न को लेकर के हमने आपको बताया था कि 15 मई के बाद हम आपको कंफर्म करेंगे कि पैटर्न क्या है, लेकिन मैं अभी रियलिटी आपसे बताऊं, क्योंकि आप लोगों से मैं कुछ भी नहीं छुपाऊंगी भाई। आगरा यूनिवर्सिटी का 90% चांसेस है, 90% अभी भी यही चांस है कि ये जो है ओएमआर लेने वाली है, ठीक है, ओएमआर बीएड का एग्जामिनेशन होने वाला है, बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर। लेकिन अभी भी 10% कंफर्मेशन जो है इन लोगों ने नहीं किया है, मतलब मैं बोलूँ तो 100% कंफर्मेशन ओएमआर का नहीं हुआ है, बट यस 90% चांसेस ओएमआर है। तो आपका क्वेश्चन आ रहा है कि हम प्रिपरेशन कैसे करें। देखो मैं आपको बोलूंगी कि प्रिपरेशन तो पहले थ्योरी पार्ट से ही करो, थ्योरी वाला यानी डिस्क्रिप्टिव पहले तैयारी करो, और प्रैक्टिस जो है वो आप ओएमआर पे करो, यानी कि ऑब्जेक्टिव करो, लेकिन प्रैक्टिस आपको यहाँ पर करना है ऑब्जेक्टिव पर, बट जो प्रिपरेशन है, जो तैयारी आपको करनी है, वो आपको जो है थ्योरी ही करना है। क्योंकि ये सोचोगे ना कि हम डायरेक्टली जो है ओएमआर पर स्टार्ट कर दे प्रिपरेशन करना, गलत होगा, आप लोग अपने साथ धोखा करोगे। पिछली बार जो भी स्टूडेंट ने ऐसा किया है उनके साथ धोखा हुआ है, इसीलिए एक्सपीरियंस से मैं बोलूंगी बाबू कि थोड़ा थ्योरी जरूर देखना, विदाउट थ्योरी जो है ओएमआर पर मत जाना, ठीक है। तो एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है 90% जो है कि ओएमआर होने वाला है, अब 10% यूनिवर्सिटी इधर उधर जाती है, क्योंकि जब तक ऑफिशियली अनाउंस नहीं करेगी ना तब तक तो आप लोग भी जानते हो कि एक इधर या उधर जा सकती है, बट चांसेस ज्यादा से ज्यादा जो है ओएमआर हो चुका है, ठीक है। चलिए बात करेंगे अवध यूनिवर्सिटी की। राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी जो है इसका बीएड का एग्जाम कब होगा, जुलाई ले लो कि इसका भाई इसका एग्जामिनेशन जुलाई है, जुलाई से अगस्त के बीच में ही ये भी एग्जामिनेशन इसका जाएगा, और इसका पैटर्न जो है डिस्क्रिप्टिव ही रहता है, इसमें थ्योरी पार्ट ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, इसमें आप लोगों का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है, मतलब वेरी शॉर्ट शॉर्ट और लॉन्ग तीनों टाइप के क्वेश्चन का पैटर्न इसका रहता है, तो इसको आपको थ्योरी पैटर्न पर ही करना है अवध यूनिवर्सिटी का एग्जामिनेशन, क्लियर। चलिए बात करेंगे सिद्धार्था की। सिद्धार्था का एग्जामिनेशन थोड़ा जल्दी हो सकता है। अब आप लोग मुझसे बोलोगे क्यों मैम, तो बाबू इसलिए कि इसका फॉर्म का जो है आगे बढ़ा चुका है, तो इसका जो है एग्जामिनेशन थोड़ा सा हमें जल्दी दिख रहा है, या तो ये जुलाई जून लास्ट तो अब मुझे बहुत कम लग रहा है, लेकिन यस जुलाई में ही जो है फर्स्ट और सेकेंड वीक में ये एग्जामिनेशन इसका दिख रहा है, तो सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का एग्जाम थोड़ा सा जल्दी हो सकता है बाकी इन दोनों यूनिवर्सिटी के कंपेयर में। इसका भी जो है एग्जामिनेशन थ्योरी ही रहता है, ऑब्जेक्टिव नहीं रहेगा, डिस्क्रिप्टिव ही आपको इसकी भी तैयारी करनी है, ठीक है। तो यही है इन सभी यूनिवर्सिटी के बारे में। इसके अलावा सीआरएसयू का डेट शीट आ चुका है, 7 और 8 जून से एग्जामिनेशन है। आईजीयू का एग्जामिनेशन जो है जून के लास्ट में होने वाला है, डेट शीट नहीं आया हुआ है। एमडीयू का भी आपको 5 से 10 जून के बीच में ही एग्जामिनेशन होगा। कुक का भी है, तो इस तरह से जितने एग्जामिनेशन है ये हरियाणा साइड वाले वो आपको जून में देखने को मिलने वाले हैं। बाकी सारे एग्जामिनेशन का डेट शीट मैंने आप लोग को डेट जो है एजम्पशन है ये कि इतना में जो है एग्जामिनेशन हो सकता है, एक अंदाजा जो है लगाया जा रहा है, जो भी बातें हो रही हैं उसके आधार पर, जो कन्वर्सेशन हुआ है उसके आधार पर। इससे रिलेटेड और कोई क्वेश्चन या कंफ्यूजन है तो इस वीडियो में कमेंट कर सकते हो, या फिर आप हमें मैसेज करके भी अपने क्वेरी को, अपने क्वेश्चन को दूर कर सकते हो।
फिर मिलूंगी, चिल्लन टेक केयर एवरीवन।